ये ऊपर अभी पहन रही हूँ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैंने नीचे घाघरा पहन लिया पर ऊपर अभी पहनूंगी। अभी मैं नहा के आ गई, ये तो तैयार होके आ गया अंशु। और मैं अभी ओए लड़ो मत, मैं अभी होंगी रेडी। हलवाई अंकल भी आ गए हैं बाहर, पहले मैं दिखा देती हूँ और दिखाती हूँ इसे, देखो कितना तैयार होके आया, फिर मैं अपना तैयार होकर दिखाऊंगी आप लोगों को। अंकल भी आ गए हैं, सब्जियाँ तो बन गई है, तंदूर अभी लगाएंगे बाहर ही। और ये देखो इन्हें नाई दो ही गई, वैसे मेरा सूट ये है जो मम्मा ने सिलवाया अपनी चॉइस से आज का, पर मुझे ना इसके जो लटक रहे हैं अच्छे नहीं लग रहे, पर सबको लग रहे हैं तो मैंने पहन लिया। बाकी मेकअप करके पता लगेगा कैसी लग रही हूँ मैं। गाइस हम सब तैयार हो गए हैं, दीदी भी और मैं भी और श्वेता भी आ गई है सबसे पहले। हाँ लो तू दिख रही हो और दोनों दिख लो तुम। तो गाइस हम तीनों ही तैयार हो गए हैं और श्वेता आ गई है और वो कहाँ गया व्यू, और लड्डू आज पता नहीं कैसे शांत हो रहा है। और गाइस हमारे बाद इनका मेकअप डन हुआ है, मेरा तो था डन था, मैं गुल्लू का कर रही थी, कर तो रहे थे आप। हाँ और आज अपन ये अभी सो के उठा इसलिए शांत हो रहा है, मैचिंग कर, और इसने मेरे से मैचिंग करके पहने हैं देख लो। मैं पम्मी के कपड़े बाहर फेंक देती हूँ ना, क्योंकि दीदी आप आ रही हूँ उसमें शीशे में, मैं पम्मी के कपड़े बाहर रख देती हूँ, मतलब चेयर पे रखती हूँ कि मैं अलमारी में अपने रखूंगी। बस लाला हटा, तो इसलिए मम्मी ने पम्मी के लिए भेजी है कि पम्मी मैं तो अपने कपड़े इसमें रख लियो स्पेशल। मैं देख के खुश हूँ, मैं भाई अलमारी आ गई। व्यू व्यू है इसका नाम, व्यू व्यू ये पीके का बेटा है। मम्मी के कपड़े बाहर फेंक दिए, मम्मी के अंदर रखी हो। जीजू अपना गिफ्ट देखो, जीजू अब इसमें निशी का बिल्कुल कपड़ा रख देते हैं ना, खोल के बैठ जाओ इसमें। बस खाना हो गया चालू, ये लगी पड़ी है पापा मम्मी, बाकी और आ रहे हैं अभी। गाइस अभी लोग आए नहीं है पर हम चालू हो गए खुद ही। मम्मी सब वसूल कर दियो, कर दो वसूल कर दो। पापा आ गए, वो आ गया नन्नू, नन्ना ये बेटा, नानू आगे, मामी आ रही है। बहुत देर से हम इंतजार कर रहे हैं पापा, हाँ कि नानू को आएंगे। इनका फोटो सेशन ये भगरा, और पापा और नानू अंदर है, ये रिंगलेट उतारने जा रहे हैं। मम्मी आ रहे हैं वो सभी, इन देखो साई लेडीज को रखते हैं, ये बच्चे इतने तैयार हो के आए हैं। शारू आ गया, गाइस आ ले रही हूँ बेटा भी। अबे यार मम्मी है ना। हेलो गाइस आज की व्लॉगिंग करूंगा नवीन डेढ़ा में। अब जाओ नवीन डेढ़ा की वाइफ और मैं छोटी डाली आज यहाँ आदमी का जन्मदिन है, और मैं छोटा वाला हूं। अब ऐसे ही अंदर ले जाओ ये बालक, ये गाड़ी के पीछे सारे बाल हो रहे हैं। ये मम्मी मारी, अब ले जाओ मेरी मम्मी, बहुत मेरी तुम्हारी मम्मी बहुत मल्लू है, मेरी मम्मी बहुत पागल। गाइस ये केक का हमारा ड्रीम केक, और अब ये केक बचा है, ये ऐसा करके लाए हैं। और क्या बताऊँ मेरा मूड कैसा है, बस छोड़ो अब तो हो ही गया केक का ये हाल। केक काट के खाना होता है वैसे भी कोई बात नहीं, तो पहले ही कट गया, काट जिससे पहले ही कट गया, ये रास्ते में काट के लाए हैं। और मैं ना होपलेस हो रही हूँ गुस्से में, नहीं होपलेस मतलब निशी अब तेरा टाइम पास है, मैं ये नहीं कर मेरा केक बना रहा हूं बहुत अच्छा डंबल वंबल वाला, जिम जवान लड़का आ गया, चार चांद लगाने। जीजू पीछे जीजू, और जीजू पम्मी अंशु भाई कहाँ है, इधर सुन अंशु भाई कौन है, अंशु भाई कहाँ है, अंशु भाई आ रहा है। पापा मम्मी तुमसे भी छोटा लड़का आ गया। फाइनली पापा आ गए, नाटक उठा रखा है मिलके,
ये तो नहीं कर रही वैसे तो क्यों बाकी हो रही। मामी आ गई, मेरी मामी लगेगी ना आपके मामी। हाँ, और पीछे इतने सारे बच्चे आपके नाना मेरे नाना लगेंगे ना। हाँ ननोरा लगे और नंगा गया सबसे पास होके ताई सबसे लेट आई सारी मम्मियाँ और इधर पम्मी की सारी फ्रेंड्स हैं और बाकी पम्मी हैं। सबसे लेट आए हैं, आके चले गए थे फिर आए हैं। और ये लो इनका क्या ये करे पम्मी ने हाल ये रंशु पुनीत पता नहीं कहाँ है लाली हंस गई। देखो दोनों साथ में खड़े हो, चलो आओ साथ में। ये ऋषि अरे अरे अभी फोटो खींच रही है, चलो अरे मेरे वाले में तो बनाओ अंशो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाइस ये जीजू का गिफ्ट है निशि की तरफ से। ये भाई साहब आपको जो नाम कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया जब आप भाई उतार दे जैकेट अब एक बारी हो जाए। जय बाबा की बोलो, जय बाबा की। मम्मी भाई बाबा को खिलाओ, आप ही खिलाओ, आप तो खिलाओ अब आप खिलाओ, आप खिलाओ फोटो खींचो। चार घंटे जीजू ये गिफ्ट चार घंटे में आया जरूर देखो। और ये इतना सा गिफ्ट तीन पत्ते लेके आए हैं जीजू, बोल के देखो पसंद भाई क्या पसंद नहीं ला लीजिए। ये हो गया पसंद करके आया तीन लोग हैं पसंद की तो आना चाहिए। भाई जैकेट जो चार घंटे में आई है, चार घंटे में आई है यू। पहले ये बताओ दिल से पसंद आई नहीं आई? नाना एक बारी जय बाबा की, जय बाबा की। पापा का है ऋषि अंदर स्वेटर नहीं आई नहीं। ये कैसी लगी? ओए जय बाबा की नन्नू के नन्नू मम्मी पता इन दोनों को मम्मी छोटा भाई छोटा भाई लड्डू को देख, लड्डू को देख।
छोटा भाई लगे चक्कू दे दियो ये फोटो मस्त बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया वैसे बंदे इतने नहीं है पर हमने फिर भी खाना इसलिए बाहर से इसलिए बनवाया कि फिर मम्मी वगैरह परेशान होंगे मम्मी वगैरह परेशान होते हैं वो लग रहे थे इसलिए हमने बाहर से ही बनवा दिया ये लगे पड़े और अब आज गाइस आप खा लो दाल मखनी है सैलड है पुलाव है नान है मटर पनीर है चाप है हाँ ये क्या कर दिया गाइस भैया मम्मी इधर देखना मम्मी आई गई थी बता रही थी पता नहीं कहाँ नहाने जा रही है ना कुछ सोच रहे मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ हाउ हाउ मम्मी आ जाओ अरे अपने अपने मम्मी और अपने पापा की एक ही आप खिंचवाओ कपल फोटो ब्लॉग बना रही हो आप हाँ मम्मी आने की लो इधर हाइट तो ठीक लग रही है मैच ये आगे ना के मम्मी नहा ली है ठंडे वाली से गरम तो ना हो गाइस ये आ तो गई पर बहुत जल्दी आई है सबसे जल्दी और भैया गए बाहर और आंटी भी आई है अब के तो आंटी ने मौज कर दी वैसे आती नहीं है बहुत बार बोला था मैंने लड़का होगा मैं तो खुद नहीं ढूंढ रहा हूँ सब नहीं ढूंढ रहे हैं हाय ओ भवे बदलने की बात हो रही है तोल में ले होगे कैसे ले होगे तोल में ले होगे कैसे मतलब कि मुग्ग मिले होगे तोल में तुम घाट ना बच्चो तुम वैसी भूल गए अब तो धाड़ी लूंगा मुश्किल है पापा दोनों नहीं बहु ढूंढ रहे हैं कोई हो तो बताना सारा लाइन से पापा के साथ रील बनाने के लिए बैठे थे सबकी हो गई है क्योंकि पापा के साथ रील बना के सबके ज्यादा लाइक आते हैं और पापा ना अब एक्टिंग बना रहे हैं पर मेरे साथ तो बना ली और सबने बना ली होती वीडियो पापा के साथ क्योंकि पापा के साथ बहुत ज्यादा लाइक आते हैं सारे व्लॉगर रील स्टार सब अंदर ही हो गए तब से रील में लग रहे हैं व्लॉग में लग रहे हैं से फोन चल रहा है मेरे पापा यहाँ लग रहे हैं बैठी बैठी एक्सेप्ट कर रही हूँ कर रही हूँ कर नहीं रही है पता नहीं मुंह से मुंह मिला के क्या बात कर रही है दौड़ते चुगलियाँ अब हम लगा रहे स्पीकर क्योंकि 11 बज गए पर अभी ने डांस करना है अब याद आया कनेक्ट हो जाए पहले कोई नहीं
प्राइस मना रही है अपने लिए। इधर देखो तू भी खा ले, शायद दिन खा रही रह रही है वैसे, अभी खा के बैठी यार वो तो। काजल को मना कर रही हूँ अभी, मत जा, पर वो सुन रही नहीं है। तेरी टॉप आ जाएगी ये लग रहे सारे। हमारे भी मारेंगे, हमारे भी मारेंगे, हमने भी लिए। कोई नहीं, इसे देखो एक मेरी आफत। मम्मी पोस्ट कर रही है कि अभी मत जाओ, और ये मान रही नहीं है क्योंकि काजल का ना घर बन रहा है न्यू वहाँ पे। ये देखो एक्टर नहीं हो हमें क्यों देने लग रहा देना मेरे को भी चलने लगे हम मेरे को भी दाई अंशु हट जा दाई दी ओ लड्डू के दीदी लड्डू ने फटाफट हाथ आगे किया मेरी भेज मिल रही है पूरी टोटो अब एक्ट करो वे जान लग रहे बाहर सामान रखवा रहे हैं श्वेता ने भी लाइट ये यहीं से अंशु हट जा तू भीग के मांगता रहता है मम्मी पैसे छीन रहा है मेरे ऐसे कर दे मैंने दे दे मांगता नहीं अरे मुझे भी कभी कभी मिलती है विदाई तू तो देती नहीं है चल मम्मी यार क्या बता मुझे शुरू कर ये तू क्यों चुप हो रहा है कुछ गंदा कर रहा है पैसे ले रहा है और चल चल तेरी अब दूर जाएगी बेचारी अबे जा यार ये पैसे ही मांग रहा था मम्मी तुम्हारे पास है ले ले मौज ले ले नो तिशला गरीब एक तो एक तो दे रहा है चले गए हैं पर हाँ हमें बड़ी बेचैनी हो रही थी कि गिफ्ट्स देख लेते हैं पहले चेंज भी नहीं करे मैंने कहा चेंज कर लूंगी पहले गिफ्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला गिफ्ट है माय सास लाइन लाई थी हमारे लिए और उस पे लिखा हुआ है स्पेशल क्योंकि यू प्रेरणा मेरे लिए तन फेंक दे भी बाहर तो मैंने मम्मी से कही मम्मी ऐसा सब आता तो मम्मी ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट कर दी अलमारी ठीक है। और दूसरा गिफ्ट है ये गोल्ड की चैन जो मेरी बहू ने वो गिफ्ट करी है माई बहू इज वेरी गुड। और अब जो मेरे फ्रेंड आए थे उनके गिफ्ट खोलता हूँ यू है पीछे इधर चेयर पे रख लो उधर साफ आ रहा है यो इसको लेकर ये काजल पानीपत से अच्छा लग रहा है ना मुझे पसंद आया बहुत मगर मुझे थोड़ा लग रहा है कि लूज है एक इसे बड़ा लिया ही साइड डोले और फैला लो अब और चौड़ा मुझे और चौड़ा होना पड़ेगा अब चलो आगे नेक्स्ट और नेक्स्ट छेती जल्दी जल्दी इसको लेकर आया पीके मेरा ये तो इन्हें बिल्कुल ही पसंद आ गया क्योंकि इनके साइज का मैं यही साइज का मैं इसे पैसे पहनता हूं भी हाई नेक ज्यादातर तो इसको पी के लेकर आया मेरा यार वहाँ से बागपत बड़ौद से तो एक ही हो गया। और गाइस दूसरी ये जैकेट लेकर आया पी के मेरे लिए ये भी मुझे पसंद आई बहुत क्योंकि उन्हें पता है वो वीडियोस वगैरह में देखते रहते हैं ऐसी पहनते हैं पी के को मेरी पसंद मतलब कि पता है इसलिए वो परफेक्ट ले रहा है। आप भी बताना आपको सबके गिफ्ट कैसे लगे। इसको लेकर आए शर्ट को राज पे सोया जी हम के फैन आ जाएगा साइज और ऐसी भी ये पहनते हैं ये भी शायद बड़ी लग रही है साइज देखता हूं डोले बढ़ाओ पर हां ऐसी भी पहनते हैं एक्सेल है बड़ी है ये एम पहनते हैं कोई फिटिंग करा देंगे कोई नहीं फिटिंग हो जाएगी जब अब
जैसी ये पैर में पैर पैर दिखा दूं क्या? नो कल दिखाना, अभी ऐसी रात हो रही। चलो तो ठीक है। और ये काजल की मम्मी लाई है, काजल की मम्मी ले जाई है पानी पत्ते प्रेरणा के लिए। और आंटी हमेशा हमें 500-500 रुपए भी देके जाती है और मैंने पीछे अपनी गुल्लक में डाल दिए। हम वहाँ पे जाते हैं जब भी आंटी हमें भेंट देती है, आंटी जहाँ पे आती है जब भी हमें भेंट देती है। और दिखाओ उसमें चॉकलेट, चॉकलेट दिखा दी मैं सुबह। और मेरी भांजी मेरे लिए चॉकलेट लाई थी, वो सुबह दिखा दी थी। और ये स्पेशल राज भैया की वाइफ ने भेजी है प्रेरणा के लिए चॉकलेट। और तुमने बिखार दी सारी? काजल ने खा ली थी, उसने गुन्नू ने, गुन्नू हाँ गुन्नू के काम हो सकते, काजल तो नहीं खाती। तो ये प्रेरणा के लिए आई थी। थैंक यू भाभी। चलो गाइस अब हम चेंज वेंज कर ले क्योंकि मेरे मैं बहुत थक गई, मेरे पैर दुख रहे हैं। मिनट तो होगा बोलो चेंज, कितनी भूख लग रही है और टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। दिखाओ टाइम, टाइम हो रहा है देख सकते हो 12:48 और मैंने अब चेंज कर लिया है। नोना सो गए हैं, थक गए थे बहुत ज़्यादा इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा थकी हूँ, पर मैं इतना थकने के बाद भी आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग ज़रूर करती हूँ। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि अगर आप भी हमारी तरह घर में बर्थडे सेलिब्रेट करते हो या पार्टी करते हो तो घर का हाल क्या होगा। ये मेरा सूट नज़र लग गई, फट गया सारा, केक में सन रहा है और ना यहाँ शोल्डर से चिर गया, नज़र लग गई सूट में। और ये मम्मी के गिफ्ट सारे मैंने यहाँ डाल दिए और अपने ये सब भी उतार के यहीं रखती हूँ, सुबह करूँगी। बाकी मैं आपको घर दिखाती हूँ क्या हाल हो रहा है। और 1 बजे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, सब सो रही है। ये देखो केक देखो, अभी इन सबको फ्रिज में रखूँगी अंदर, सारे केक ये पड़े। और आज मैं बहुत रोने वाला मूड हो गया था बिल्कुल। देखो मेरा डंबल कहाँ पड़ा, मैंने ये बहुत वैसे बनवाया था मन से पर ये रास्ते में ख़राब हो गया। चलो किस्मत ख़राब थी। और हाल देखो बच्चों ने ये भी फोड़ दिया बड्डे और पम्मी, देखो क्या हाल हो गया। सुबह पता चलेगा क्या करना है पम्मी के कपड़े। ये देखो ये सो रहे पापा पशु, मम्मी की तो मैं गई है कहीं। और ये देख रहा हूँ हटाया नहीं वैसे बंद पड़ा, अभी कोई नहीं पी रहा। ओह ये किचन का हाल देख सकते हो आप क्या हो रहा है। ये देखो सुबह पता चलेगा, सुबह एक केक यहाँ पड़ा है, इतने सारे केक हो गए थे क्या। ये कौन सा वाला है? हाँ ये जो रात को काटा था वो वाला है। ये देखो बहुत गंदा कचरा है, वो देखो सब ड्रॉ ड्रॉ भी बाहर हुए पड़े। ये थोड़ा खाना जो बच गया था इसे हम सुबह खा लेंगे, ठंडे ख़राब नहीं होगा। बाकी ये गंद देख लो इतने सारे। ऑटो पता है मैं ना वैसे बहुत खुश थी इस वाले बर्थडे के लिए, इतना कुछ स्पेशल नहीं था बट मैं फिर भी खुश थी क्योंकि ये हमारा फर्स्ट बर्थडे था ना साथ में ओपनली, इसलिए। और कमेंट करके बताना कि आपको इनके गिफ्ट कैसे लगे। और मैंने ऐसा गिफ्ट सोच के दिया जो इनकी यूज़ का भी और इन्हें पसंद भी है, इन्हें चाहिए भी थी इसलिए। तो ठीक है गाइज़ अब मैं भी सो जाती हूँ, इनका व्लॉग भी एडिट करना है अपना भी, पेट में दर्द हो रहा है, थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। पर आप लोगों की ब्लेसिंग्स आते हैं इसलिए सारी थकान उतर जाती है और दर्द भी नहीं होता। थैंक यू गाइज़, लव यू।